उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश के बाद नालों से उफनते पानी की वजह से एक मैदान में खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब गई। शहर के रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश की वजह से नालों से उफनता पानी एक मैदान में खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दिया। कई गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। शहर के रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी भरने लगा है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए किस तरीके से गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दी। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी किस तरीके से लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। ये जो घटना हुई है, लगातार 3-4 दिनों से बरसात हो रही है और सिटी कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर मोहल्ले में एक जर्जर पुराना मकान जो सैकड़ों साल का पुराना बताया जा रहा है, सुबह 4:30 बजे के आसपास ध्वस्त हो गया, जिसमें सतीश, माधुरी और किशन जो पति पत्नी और बेटे हैं दुखद मृत्यु हो गई। मौके पर द्रुत गति से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और 3 लोग सकुशल बचे हुए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जबकि नालों का गंदा पानी घरों में घुसने की वजह से बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से किसी तरह के इंतजाम नहीं किए जाने की वजह से लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। तो 4 दिनों से यहां पर भी लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। शहर की जो सड़कें हैं तालाब में तब्दील हो चुके हैं, लोग खासे परेशान हैं। नालों का गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है, बीमारियां फैलने की आशंका भी इसी के साथ बढ़ गई है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई कदम ना उठाए जाने से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोगों के घरों तक गंदा पानी जा पहुंचा है और ऐसे में न सिर्फ लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, बल्कि अब डर सता रहा है कि कहीं इस गंदे पानी के चपेट में आने के चलते महामारी न फैल जाए। देखिए हमारे घर में पानी, ना डीएम सुन रहा है ना चेयरमैन सुन रहा है, खाली आके सिर्फ देख के चले जा रहे हैं। हम लोग किस तरह रहेंगे? हम लोग तब मरने का कागज पर है, सामान का नुकसान नहीं किया है। कैसा पानी ये पानी नगर पालिका का निकासी नहीं है, वो गड्ढा में जाता है, गड्ढा ओवर फ्लो हो गया, सारा गड्ढा में जाता था वो ओवर फ्लो हो गया, सड़क ऊंचा हो गया, सारा पानी घर में गया है। 3 महीना से हम लोग परेशान है। यूपी के देवरिया में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अधिकारियों के सरकारी आवासों में भी पानी भर गया है। एसपी एसडीएम के आवास में 2 फीट तक पानी भरने की वजह से अधिकारी अपने बंगलों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न सिर्फ आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, बल्कि जो सरकारी आवास हैं अधिकारियों के, वहां पर भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। एसपी एसडीएम के आवास में भी पानी भरने के चलते अब जो अधिकारी हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक तरफ बलिया की तस्वीर आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पानी बढ़ रहा है, पानी की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो वहीं अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं देवरिया की, जहां अधिकारी भी पानी की समस्या से जूझते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब वहां के लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। तेज बारिश में कई मकान धराशायी हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि बाजारों में भी पानी भर गया और इसकी वजह से वहां की जो दुकानें हैं वो बंद नजर आई। बारिश का पानी लोगों के घरों में जा घुसा, घर के लोग खासी दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आए। खेत खलियान हर जगह पानी ही पानी, तो वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह पेड़ भी गिरे हुए दिखाई दिए। सड़कें पानी में लबालब नजर आई, तो वहीं लोगों के घरों तक भी पानी जा पहुंचा।